मैं कल मुंबई में था, रात को 8:30 बजे एयरपोर्ट पर दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था। मेरे को छोड़ने के लिए सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF का, उसने जानते हैं क्या कहा, बाबूजी हरियाणा में आप फिर से आ रहे हो। मैंने पूछा क्या कारण है बताओ। उसने कहा बाबूजी हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में इसलिए आए क्योंकि जब हमने नौकरी की तलाश की थी तो या तो पैसा चाहिए था या जाति चाहिए थी। आज हर गांव से 4 बच्चा 3 बच्चा बिना सिफारिश के गरीब का बच्चा लग रहा है, यह मनोहर लाल खट्टर जी की देन। ये उसने कहा, मैंने नहीं कहा, यह रात कल 8:30 बजे की बात है। उसने मुझसे कहा कि परिवर्तन आ गया है। जो गांव के बच्चे कभी सोच नहीं सकते थे कि उनको नौकरी लगेगी, 69,000 लोगों को नौकरी लगी है, 69,000 लोगों को। 62,000 लोग टीचर ऐसे हैं जो पहले किसी की जेब गरम करते थे तो अपनी जगह पर पोस्टिंग लेते थे, सिफारिश लगाते थे तो वो पोस्टिंग लेते थे। आज 62,000 कर्मचारी ऐसा है बिना किसी सिफारिश के मन मुताबिक अपनी जगह पर लगा है। इस बात को हमको समझना चाहिए।